और चालाक लोमड़ी रहती थी। एला अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हमेशा अपने विरोधियों को आसानी से मात दे देती थी। एक दिन उसकी नजर पीले कौवे पर पड़ी, जो जंगल के दूसरे प्राणियों की नजर में एक कुख्यात मूर्ख था। पीला कौवा अपनी मूर्खता और भोलेपन के लिए जाना जाता था। हमेशा एला की चालों और योजनाओं में फंस जाता था। दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, उसे जंगल का मजाक कहते थे। एला को पीले कौवे को और भी ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करके उसे और भी ज्यादा चालाक बनाने का मौका मिला। एक दिन एला अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ पीले कौवे के पास पहुंची। ओह बुद्धिमान पीले कौवे, उसने कहा, मैंने एक जादुई औषधि के बारे में सुना है जो तुम्हें पूरे माइथोपिया में सबसे चतुर प्राणी बना सकती है। हालांकि ये जादुई जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है, जहां भयंकर जीव और खतरनाक बाधाएं हैं। केवल सबसे बहादुर और सबसे चालाक ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। पीले कौवे की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मुझे ये औषधि चाहिए, वह उत्सुकता से अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाया। एला ने खुद को हंसाया, ये जानते हुए कि ऐसी कोई औषधि नहीं है, लेकिन उसके पास पीले कौवे को और भी मूर्ख बनाने की एक योजना थी। जंगल में पीले कौवे का मार्गदर्शन करते हुए एला उसे जंगली हंस का पीछा करने के लिए ले गई। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए और खतरनाक जीवों से बचते हुए पीला कौवा जादुई औषधि की खोज में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। घंटों भटकने के बाद पीला कौवा आखिरकार थक कर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि कोई जादुई औषधि नहीं है। एला छाया से देख रही थी, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। तुम मूर्ख हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रात में गायब हो गई। अगले दिन दूसरे जानवरों ने देखा कि पीला कौवा जंगल में इधर उधर भटक रहा है, उलझन में खुद से ही बड़बड़ा रहा है। वे हंसे और उसका और भी मजाक उड़ाया, उसे एक मूर्ख और मूर्ख कहा। पीले कौए ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, यह महसूस करते हुए कि उसे एक बार फिर चालाक लोमड़ी ने धोखा दिया है। उस दिन से पीले कौए ने और अधिक सतर्क और बुद्धिमान बनने, अपनी गलतियों से सीखने और ज्ञान में वृद्धि करने की कसम खाए। जहां तक एला की बात है, वह जंगल में घूमती रही, हमेशा अपने विरोधियों से एक कदम आगे। माइथोपिया के प्राणियों की नजर में एक रहस्यमय और रहस्यमय व्यक्ति, और इस तरह चतुर लोमड़ी और मूर्ख पीले कौए की कीवदंती जीवित रही। चालाकी, धोखे और बुद्धि और मूर्खता के बीच शाश्वत संघर्ष की कहानी।